हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक नॉवेल की समरी जिसका नाम है सिस्टर कैरी, जिसे लिखा है थियोडोर ड्राइसर ने। थियोडोर ड्राइसर एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, साथ ही साथ वो एक जर्नलिस्ट भी है। और ये जो नॉवल है सिस्टर कैरी, इनके बेस्ट नोन नॉवल में से एक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नॉवल एक 18 साल की लड़की कैरोलिन मीबर के बारे में है, जो एक बड़े शहर में जाती है और वहाँ वो अपने ड्रीम्स को समझती है, उसके जो डिजायर्स है उसको समझती है। एक आम लड़की से एक एक्ट्रेस बनने का जो इसका जर्नी था, जो इसका स्ट्रगल था, वो इस नॉवल में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवल को। कैरोलिन मीबर, जो कि सिस्टर कैरी है, वो अपने करंट सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, अपने शहर से डिससेटिस्फाइड है। तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कोलंबिया सिटी को छोड़ेगी और शिकागो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर है। अपनी बहन मिनी के साथ और उसके हस्बैंड हैंसन के साथ रहेगी। फिर उसने शिकागो के लिए ट्रेन लिया और इस ट्रेन में उसे एक जेंटलमैन मिलता है जिसका नाम है चार्ल्स ड्रॉट। चार्ल्स ड्रॉट एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है और ये सिस्टर कैरी के सिंपल ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। सिस्टर कैरी और ड्रॉट काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, फिर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने जगह चले जाते हैं। फिर कैरी अपने सिस्टर मिनी के घर पहुंचती है, लेकिन उसको वहां का भी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता। और उसका जो ब्रदर इन लॉ है हैंसन, वो चाहता है कि कैरी जब भी जितनी दिन भी वहां पर रहे उसका वो रेंट पे करे। फिर बहुत दिन सर्च करने के बाद फाइनली कैरी को एक जॉब मिलता है एक शू फैक्ट्री में, लेकिन उसकी आधा से ज्यादा सैलरी हैंसन को रूम का पेमेंट करने में ही चला जाता था। फिर एक दिन कैरी जो है वो बीमार पड़ गई, तो इस वजह से वो शू फैक्ट्री में जा नहीं सकी और इसके वजह से उसका जॉब भी चला गया। फिर वो ड्रॉट को मिलने के लिए बुलाती है और उससे अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करती है। फिर ड्रॉट उसे एश्योर कराता है कि उसे दूसरा जॉब मिल जाएगा और उसे कन्विंस करता है कि वो अपने सिस्टर के घर को छोड़ दे और वो उसके साथ रहने लग जाए। उस दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पे ड्रॉट उसको एक जैकेट दिलाता है। और फाइनली कैरी डिसाइड कर लेती है कि वो अपने सिस्टर के घर और नहीं रुकेगी और ड्रॉट के साथ चली जाएगी। फिर ड्रॉट कैरी को एक अपार्टमेंट दिलाता है जहाँ पर कैरी रहने लगती है। फिर नेक्स्ट डे ड्रॉट कैरी को जॉर्ज हर्स्टवुड से मिलाता है, जो फिट्ज़गेरल्ड मॉयस नाम का एक बार है, वहां का मैनेजर रहता है। हर्स्टवुड एक मैरिड आदमी है जिसका 20 साल का एक लड़का भी है और एक 17 साल की लड़की है, लेकिन जब ये कैरी से मिलता है वो कैरी से अट्रैक्ट हो जाता है और इन दोनों का सीक्रेट अफेयर भी शुरू हो जाता है जिसके बारे में ड्रॉट को पता नहीं चलता। ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे से मिलने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद ड्रॉट को एक रोल के बारे में पता चलता है जो ऑगस्टिन मेलोड्रामा के अंडर में था और वो कैरी को इंसिस्ट करता है ये रोल प्ले करने के लिए। शुरुआत में कैरी बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन ड्रॉट के कंटिन्यूअस एनकरेजमेंट से उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार हुआ और ऑडियंस को भी वो पसंद आने लग गई थी। दूसरी तरफ हर्स्टवुड कैरी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होने लग गया, बहुत ज्यादा क्रेजी होने लग गया और अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो कैरी को ड्रॉट से दूर ले जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ड्रॉट को पता चल जाता है कि हर्स्टवुड और कैरी के बीच में अफेयर चल रहा है और वो कैरी को हर्स्टवुड के मैरिड लाइफ के बारे में बता देता है, उसके बच्चों के बारे में बता देता है। फिर कैरी डिसाइड करती है कि अब वो हर्स्टवुड के साथ और कोई रिलेशन नहीं रखेगी। फिर कैरी हर्स्टवुड को बहुत ज्यादा सुनाती है और वहां से चली जाती है और उसकी वाइफ भी आकर हर्स्टवुड को बहुत ज्यादा सुनाती है। फिर ये सब होने के बाद हर्स्टवुड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके ऑफिस का जो लॉकर है वो खुला हुआ है और उसमें कुछ $10,000 थे और वो डॉलर्स वो सब ले लेता है और वहां से चला जाता है। डॉलर्स को चोरी करने के बाद हर्स्टवुड कैरी के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कैरी को कहने लगता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, उनकी शादी में कुछ नहीं बचा है अब, और वो कैरी को कन्विंस करने लगता है कि उसके साथ चले एक दूसरे शहर में, इससे भी बड़े शहर में, जहां वो आराम से रह सकेंगे, जहां कोई उन्हें कुछ पूछने वाला नहीं होगा। कैरी भी कन्विंस हो जाती है। फिर हर्स्टवुड और कैरी दोनों कैनेडा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। कैनेडा पहुंचते ही हर्स्टवुड को प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पकड़ लेते हैं और हर्स्टवुड को वो सारे डॉलर्स उनको वापस करना पड़ता है। अब कनाडा एक नया शहर था और हर्स्टवुड के पास कोई पैसा नहीं था। कैरी और हर्स्टवुड शादी कर लेते हैं और न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। हर्स्टवुड एक फ्लैट रेंट पे लेता है और अपना नाम चेंज कर लेता है, वो बन जाता है जॉर्ज, और फिर एक सलून वो ओपन करता है। तो शुरुआत के टाइम पे वो थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता था और कैरी को एक एडिक्वेट लाइफ दे सकता था, लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़ा सिटी था, महंगा सिटी था, तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा था और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था। कैरी अब अपने लाइफ से और भी ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहने लग गई थी। वो अपने आप को अपने नेबर मिसेस वेंस से कंपेयर करने लग गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा रहीस थी।
एक दिन मिसेस वेंस कैरी को एक यंग लड़के से मिलाई जिसका नाम था रॉबर्ट एम्स। रॉबर्ट एम्स का नेचर देखकर कैरी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लड़का था। वो आर्ट को अप्रिशिएट करता था, ना कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अप्रिशिएट करता था। कुछ साल बाद हर्स्टवुड के सलून को उसके लैंड ओनर ने बेच दिया और अब हर्स्टवुड के पास कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसको जो भी जॉब मिलता वो उसको करने लग जाता था और वो कैरी को भी जॉब करने के लिए फोर्स करने लग गया। हर्स्टवुड के प्रेशर में आके कैरी ने भी एक कोरस गर्ल का जॉब ले लिया, मतलब एक ग्रुप था जिसमें वो गाना गाने लग गई थी। और यहाँ से कैरी की उड़ान शुरू हुई। कोरस गर्ल से फिर उसे एक छोटा सा रोल मिला था जिसमें उसने एक माइनर का रोल प्ले किया था, नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर का, और इससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और ये प्ले सुपर डुपर हिट हो गया था। फिर सेम कोरस ग्रुप में कैरी को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लोला, और वो कैरी को इंसिस्ट करती है कि वो हर्स्टवुड का घर छोड़ के उसके साथ रहने लग जाए, उसकी रूममेट बन जाए। कैरी लोला की बात मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ रहेगी। और फिर जाने से पहले हर्स्टवुड को एक नोट लिखती है, एक लेटर लिख देती है कि वो जा रही है, और उस लेटर में वो $20 रख देती है। हर्स्टवुड और कैरी अब दोनों अलग हो चुके हैं और इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी कम्प्लीटली अलग हो गया है। हर्स्टवुड की कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास घर नहीं था, वो एक भिखारी जैसे जिंदगी जीने लग गया था। और दूसरी तरफ कैरी एक कोरस गर्ल से धीरे धीरे उसको छोटा छोटा रोल मिलने लग गया था और उससे वो एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। तो नॉवेल के एंड में ये बताता है हर्स्टवुड के पास सब कुछ था, एक सोशल स्टेटस था, पैसा था, परिवार था, लेकिन वो सब कुछ गवा देता है। और कैरी जहाँ सब कुछ छोड़कर आई थी, एक जीरो से उसने स्टार्ट किया था, आज वो बहुत बड़ी फेमस एक्टर हो गई, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला फील कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।